हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए देखते हैं अपना अगला स्टॉक के बारे में। जो अगला स्टॉक है अथर इंटरप्राइजेज लिमिटेड है। अथर इंटरप्राइजेज की बात करें, देखिए ये जो काम करता है, ये काम करता है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ ये काम करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एंड वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस का काम करता है। तो फ्यूचर में देखा तो यही सब का डिमांड है, सॉफ्टवेयर का, आईटी सेक्टर का डिमांड जाते हैं। और जो इसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनका ज़्यादा, उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता, फिर भी वो ग्रो करते रहते हैं। तो देखा है तो इसका मार्केट कैप की बात करते हैं। मार्केट कैप में देखा है 3.91 करोड़ का मार्केट कैप है और 2.30 रुपये करेंट प्राइस है। 3.31 रुपये का हाई लगाया है और 2 रुपये का लो लगाया है। चलिए इसकी पूरी एनालिसिस करते हैं। पूरी एनालिसिस करने के पहले अगर आप चैनल पर ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं, इसे सबसे अच्छे कुछ खास पॉइंट पर बात करते हैं। तो देखिए अपने डेप्थ को रिड्यूस किया है और ये डेप्थ जो है अपना ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी हो चुकी है। उनका ये जो कंपनी है ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है, तो इसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं। ये दो पॉइंट जो है सबसे खास पॉइंट इसका मानेंगे। और बात करते हैं इसके कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में अगर आप बात करें, कंप्यूटर में देखिए अडानी इंटरप्राइजेज है, लॉजिस्टिक है, सेलो वर्ड है, MMTC है, PTC इंडिया है, अच्छी अच्छी कंपनियाँ इसके कंप्यूटर हैं। आगे चल के देखिए इसका प्राइस कितना, 2174, 917, 200, 427, अभी इसका 2.30 रुपये का है। 5-10 साल बाद जाके फिर यही 400-500 के रेंज में आएंगे तो फिर आपको पछताना पड़ेगा कि अगर वहाँ पे मैं बाई किया होता तब तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट होता। तो कोई नहीं, अभी पूरी एनालिसिस करते उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा उसमें इसे लेना है कि नहीं लेना है। तो चलते हैं रिजल्ट पे। रिजल्ट पे हम बात करेंगे तो ईयरली रिजल्ट की बात करेंगे हम, क्योंकि हमारा जो व्यू है लॉन्ग टर्म व्यू है। तो वहीं बात करते 2012 में आपको देखा जाए तो इसका प्रॉफिट जो देखा जाए 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है। 2013 में 38 लाख का प्रॉफिट हुआ है। 2014 में 21 लाख का प्रॉफिट हुआ है। 2020-21 में देखा है तीसरा नो प्रॉफिट 9 लाख रहा है। वहीं 2022 में फिर शुरुआत हुई, 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। फिर 2023 में 11 लाख का प्रॉफिट हुआ। 2024 में देखा है 16 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो प्रॉफिट डे बाय डे ग्रो कर रहा है। तो प्रॉफिट बेस पर देखा है तो प्रॉफिट अच्छा है। जैसी कंपनी जिस मुद्रा मार्केट कैप है उसके हिसाब से प्रॉफिट अच्छा है। वहीं बात करते हैं इसके बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट क्या करता है, बैलेंस शीट में अगर बात करते हैं इक्विटी कैपिटल की, तो इक्विटी कैपिटल का डाटा आपको 2012 से मिलेगा देखने को। तो 5.51 करोड़ का इक्विटी कैपिटल 2012 में था इस कंपनी का, जो बढ़ के 8.50 करोड़ हुआ, फिर उसके बाद 17 करोड़ हुआ। अभी तक देखा है तो 17 करोड़ का जो इक्विटी कैपिटल इसमें बना चुका है कंपनी ने, इक्विटी कैपिटल ऐड कर चुका है। वहीं रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 1.46 करोड़ से बढ़ के कितना हुआ, 2.75 करोड़ हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी कैपिटल लगभग 3 गुना हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस 2 गुना हुआ है। वहीं बारहवीं की बात करें तो 1.34 करोड़ से घट के कितना हुआ, 0.32 लाख हुआ है। तो तकरीबन 1 करोड़ 2 लाख ये कर्जा अपना रिड्यूस कर दिया, खत्म कर दिया है। तो कर्जा भी कम हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस ग्रो किया है, इक्विटी कैपिटल ग्रो किया है। तो देखा है तो पॉजिटिव में ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव में देखने को मिल रही है। वहीं बात करते हैं एसेट की, पैसेज देखा है तो 2012 में 8.57 करोड़ का एसेट जो था वो बढ़ के 30 करोड़ के करीब में हो गया है। तो देखा है तकरीबन एसेट 4 गुना करीब में एसेट बढ़ चुका है। तो अच्छी बात है, किसी कंपनी का एसेट बढ़ रहा है, कर्जा कम हो रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहा है, इक्विटी कैपिटल बढ़ रहा है, ये चारों चीज़ें पॉजिटिव है। तो चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको देखने को जो मिलेगा प्रमोटर की हिस्सेदारी कितनी है, 7.717% प्रमोटर की हिस्सेदारी, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 0.01% है। थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा नहीं है, जब तक तकरीबन 30% के ऊपर प्रमोटर की हिस्सेदारी ना रहे तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ मैं। बट यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे प्रमोटर की हिस्सेदारी इतना कम, पब्लिक की हिस्सेदारी इतना ज़्यादा है, इसके कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। मैनिपुलेट करने के लिए प्रमोटर की हिस्सेदारी ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें जब तक प्रमोटर की हिस्सेदारी मान ली 90% है तो प्रमोटर जिधर चाहे उधर लेके जा सकता है। बट ये चीज़ पब्लिक की हिस्सेदारी पर चला, पब्लिक जैसे चाहे वैसे ले जा सकता है। ये चीज़ें देखा है तो इसमें एक प्लस पॉइंट है। पर देखा है जो 3-4 चीज़ें जो इसमें हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी कैपिटल और बारोइंग एसेट, ये पॉजिटिव में, यहाँ पर प्रॉफिट भी पॉजिटिव में है। तो देखा है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो बाकी ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, मिलते अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।